गाइस वेलकम टू टेली मसाला। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसके घर पे हूँ इस समय, तो आप सही समझ रहे हैं कि मैं आपके ही किसी फेवरेट सेलेब के घर पे हूँ इस समय। आपको बता दूं कि हम आपके फेवरेट शो मेहमान नवाजी के साथ एक बार फिर आने जा रहे हैं। आप अगर सोच रहे होंगे कि इसमें हम किस तरह से करने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, तो बता दूं हम एक ट्विस्ट के साथ आए हैं। इस बार हम नहीं बल्कि आपके फेवरेट सेलेब्स आपको बताएंगे कि किस तरह का उनका घर है और क्या कुछ उन्होंने किस तरह से रखा है। वैसे आज कौन है वो सेलेब और किसके घर हमारी मेहमान नवाजी होने वाली है, चलिए चल के देखते हैं। शफक नाज और आज मैं अपना घर दिखाने वाली हूँ टेली मसाला को एंड उनके लिए बेसिकली मेहमान नवाजी करने वाली हूँ। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू शो माय हाउस एंड लेट्स गो। आई थिंक घर मेरे लिए एक ऐसी जगह जहाँ मैं जब काम से आती हूँ, मैं आई एम टायर्ड, आई एम एग्जॉस्टेड, और मुझे जब एक ऐसी जगह जो मुझे रिप्रेजेंट करती है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या चीज़ें पसंद हैं, एक ऐसा कहने के लिए वॉल्स होती हैं, बट हाउ वी क्रिएट दैट स्पेस और हम उसको कैसे एक छोटी छोटी चीज़ें ऐड करके वी मेक होम। सो मेरे लिए घर कम्फर्ट है और अ प्लेस जिसे मुझे छोड़ के जाने के लिए मुझे बुरा लगे और मैं वापस आने के लिए आई एम एक्साइटेड टू कम बैक। सो आई थिंक दैट इज़ वॉट होम इज़ फॉर मी। सो आई हैव डिफरेंट कॉर्नर्स, सो एवरी कॉर्नर इज looks different, but I think cozy and comfortable and a place where you can just sit and just chill, just have a cup of tea and just chit chat with your friends. I think my house represents that. Basically I like green, आई लव ग्रीन कलर। आई थिंक ग्रीन कलर बहुत ऐसे शांत करता है। एज यू कैन सी मेरा जो व्यू है दैट इज़ ऑल्सो इट्स फुल ग्रीन एंड इन द मॉर्निंग इट जस्ट लुक्स ब्यूटिफुल। तो जब मैं उठती हूँ सूरज उगता है इधर से ही, सो आई कैन सी द सनलाइट, एंड मेरे लिए वेंटिलेशन एंड सनलाइट बहुत ज़रूरी है। तो मुझे आई लाइक दैट एंड ऑफकोर्स आई हैव अ लॉट ऑफ greens and I love flowers. I just love flowers. So I have different flowers in my, plants. And that's the one thing I love in my house. And green also because I have like plain white walls, so that gives a little color and that adds a little color, so it looks good. This is my favorite place and this is my favorite corner in my house. Actually मेरे घर में जितने भी मेरे friends आते हैं, जो भी आता है ना, mostly इधर ही आकर बैठ जाते हैं। It's very nice. I got this, मैं हमेशा से, मुझे घर पर एक झूला था मुझे कि मुझे एक झूला एक रखना है, so that you can just sit and आप गाने चला दो। सो आई डू दैट, मैं इधर बैठ जाती हूँ बिकॉज आई हैव लाइक अ रियली गुड व्यू, सो आई सिट हियर एंड मैं गाने चला देती हूँ और मैं बैठ के ऐसे आई जस्ट चिल। सो आई रियली लाइक पोस्टर्स एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट एडिंग लिटिल कलर। सो जैसे कि मैंने एक वॉल थोड़ा वाइट एंड ग्रीन रखा है एंड दीज आर द पोस्टर्स। आई लव दीज पोस्टर्स एंड
थोड़ा कलर ऐड होता है, सो इट लुक्स अ डिफरेंट कॉर्नर इन द हाउस. सो या एंड आई गॉट दीज पोस्टर्स फ्रॉम, मतलब मैंने बहुत ढूंढा था तब जाकर आई हैव यू नो गॉट समथिंग व्हाट आई हैड इन माइंड. एंड आई थिंक कुछ 7-8 साल से आई हैव दीज पोस्टर्स विद मी. And I think it's very difficult to find now, but yeah, I love this and the color and that, as you can see, it's Charlie Chaplin and that is one of a very good episode. I don't know agar aapne kabhi kuch dekha hai ki nahi dekha hai, but I have seen that story so that I know. And yeah, this is like nice quotes. So yeah, we can do it and each little thing give a little time to all of those things. And about the sofa, so मुझे घर में बहुत फर्नीचर बिल्कुल नहीं पसंद है. I feel that you should have a little space and थोड़ा clean होना चाहिए. So I just wanted to, I really like this, you know, this one single sofa and मैंने बहुत ढूँढा तो जाकर मुझे ये जयपुर के किसी ब्रांड से मुझे मिला था. एंड एंड आई लव ब्लू, सो आई थॉट वाई नॉट यू नो जस्ट वन सिंगल सोफ़ा, लेट्स कीप इट लाइक दैट. सो या दैट्स द स्टोरी अबाउट दैट. एंड या दिस इज़ वन कॉर्नर आई सेट एंड मैं यहाँ बैठती हूँ एंड आई कैन सी द होल व्यू फ्रॉम दिस साइड एंड माई सेंटर टेबल. As you can see, it's very, it's different. So, of course, I don't like to kuch bhi basic se thoda sa alag cheez, and I have this love for Rajasthani things and you know, I really like that. So, I love the table. I've got this table from Jaipur and it looks really different and it goes with the thing. और थोड़ा सा ब्रेक मिलता है घर को, यू नो, अलग चीज़ थोड़ी सी एक डिफरेंट लगती है. एंड ऑफकोर्स कलर्स हैं एंड आई लाइक टू ऐड कलर्स. सो दिस इज द टेबल एंड आई लव दिस टेबल. ओके, सो एज यू कैन सी मैंने कहा था जैसा कि मुझे प्लांट्स बहुत पसंद हैं. सो दिस इज़ माई फेवरेट कॉर्नर वेयर आई सेट एंड मोस्टली इन द इवनिंग एंड आई हैव माई कप ऑफ टी और कॉफ़ी और यू नो इट जस्ट इट फील्स रियली रिफ्रेशिंग बिकॉज एज यू कैन सी बहुत ग्रीनरी बहुत है. मुझे ग्रीनरी मुझे बहुत पसंद है, यू नो, एंड आई हेट जब व्यू कुछ भी ब्लॉक करता है. एंड इन मुंबई इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ प्लेस जहाँ पे आपकी बिल्डिंग के आगे कोई और बिल्डिंग नहीं है. सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट आई थिंक अबाउट माय हाउस, दैट आई कैन जस्ट सी एवरीथिंग दैट इज़ यू नो फुल ग्रीनरी देयर एंड देन माउंटेन देयर. सो इट जस्ट इट लुक्स रियली यू नो इट फील्स रियली रिफ्रेशिंग. एंड इवन इन द नाइट्स इफ माई फ्रेंड्स आर अराउंड वी ऑल जस्ट you know we sit here and we chit chat and yeah it good. And as you can see I have different plants and thoda it's you know you should always have something in your house, you know, you should always keep something in your house as a plant because trust me I know it's a little job to keep and thoda maintenance ho jata and we don't have time and this and that, but just get one plant for yourself and just keep it there. Trust me, you're going to feel so good. Aapko acha lagega, you're going to start liking that corner of your house. So I will suggest just do that. You will feel really good and nice. Hi, to main apna ghar to aap logo ko dikha chuki hu aur ab waqt ho gaya hai mehman nawazi karne ka. टेली मसाला का. सो लेट जस्ट कॉल स्नेहल. स्नेहल प्लीज. हाय हाय, हाउ आर यू डूइंग? सो मुझे तो आपका घर बहुत ज़्यादा प्रिटी लगा है. सो उसके लिए मैं पहले चाय मंगा लेती हूँ. सो दैट थैंक यू. सो बेसिकली आई मीन
मेरे बारे में मैं क्या बताऊँगी, मेरे बारे में मैं बहुत डिफरेंट हूँ मैं जब टीवी पे होती हूँ, और मैं बहुत अलग हूँ जब मुझे लोग पर्सनली मिलते हैं. एंड आई डोंट थिंक मैंने अभी तक भी ऐसा कोई कैरेक्टर किया है जो मैं बोलूँ कि नो दिस इज़ शफ़क. सो आई एम अ डिफरेंट पर्सन ऑल द कैरेक्टर्स आई हैव प्लेड. ओके, जब मैं बात करती हूँ आपके घर की, तो मैंने पर्सनली नोटिस किया कि ग्रीनरी है तो उसका एक अलग वाइब आता है. तो स्पेसिफिकली आप क्या बताना चाहेंगे उसके बारे में कि आपने किस तरह से सोचा कि मुझे प्लांट से थोड़ा लाइवली फील करना है अपने घर में, क्या आपका थॉट प्रोसेस था? सो ये मुझे कुछ बचपन से, ऑनेस्टली मुझे थानी में कभी ऐसी कोई फैन नहीं रही हूँ, बट यू नो आई जस्ट एक्सप्लोर दैट आई रियली लाइक प्लांट्स. एंड यू नो आई माइट साउंड लिटिल वियर्ड, बट जितने भी प्लांट्स लवर हैं एंड द पीपल हु लाइक प्लांट्स, आई दे कैन रिलेट दैट आई कैन फील दैट दे आर टॉकिंग, एंड यू नो यू कैन फील दैट देर इज़ अ लाइफ. इट्स जस्ट nature and all, it's too beautiful, you know, kaise they have prints and colors and you know smell, it's fragrance, it's really beautiful. Okay. So yeah, okay, film se jaise kafi pass hai to kitne abhi tak jitne bhi aapke co-stars hain unko kab kitna aapne host kiya hai? No, honestly time nahi milta hai kyunki shooting hours aise hote hain ki we actually after pack up I think everyone wants to just go home and just sleep. So aise time nahi milta, but yeah I have a lot of my friends and I have called them home and we all sit and we all chill. Aur bulaya maine aisa nahi hai, फिर कोविड भी था ना तो थोड़ा सा. शबक, घर तो आपका हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपको जितना पसंद करते हैं शो में उससे ज़्यादा आज उन्होंने ऑफ स्क्रीन जाना आपको, तो क्या कहेंगे? आई जस्ट वॉन्ट टू से कि थोड़ा सा आई मीन आई एम द सेम पर्सन ओनली, आई जस्ट प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स. But yeah, thank you so much and I really hope aapko ye segment bahut acha laga ho and I hope you like my house. So yeah, and thank you so much for all the love and yeah, for giving me, you know, everything and wherever I am, it's only because of the audience. So thank you so much.